समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चाचा शिवपाल पर तंज कसा है और उन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चाचा हैं तो मुझसे आगे ही होंगे। क्या कंफ्यूजन है, वो चाचा है, इतना ही नहीं जानते आप? क्या कंफ्यूजन है? वो देखिए, जब चाचा है तो हमसे आगे होंगे ना, तो हमसे आगे है। बता दें, ललितपुर में रेप पीड़ित से मुलाकात कर वापस लौट रहे अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने मारते हुए बीजेपी और शिवपाल दोनों पर हमला बोला और कहा कि सीएम आवास की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि अंदर तक चीख की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डीएम नहीं सुनेंगे, ये सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा मुख्यमंत्री आवास की दीवारें बना दी हैं कि चीख पुकार बाहर की सुनाई नहीं दे रही है। बने जो परेशानी और तकलीफ है वो सुनाई नहीं दे रही है वहां तक। क्या ललितपुर वाली घटना ऐसा हो सकती थी? चंदौली में जो घटना हुई क्या हो सकती थी? और हर दिन देखिए, फतेहपुर में हो गया एक बलात्कार बेटी का, लूट हो गई सड़क पर अलीगढ़ और उस इलाके में एक अधिकारी की लूट हो गई अलीगढ़ में। बुलंदशहर में एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर, उनके साथ घटना हो गई। कितनी घटना हम आपको बताएं। और सच्चाई ये है कि अगर आप आंकड़े मंगा लेंगे तो सबसे ज्यादा वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आपका उत्तर प्रदेश में है। यही नहीं, अखिलेश ने इस दौरान ललितपुर में हुई घटना को लेकर यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और यूपी पुलिस पर बेलगाम होने का भी आरोप लगाया है। आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता है जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई, दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल है, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहाँ पर। एक परिवार में दो बहनों को मारा, एक की जान चली गई, दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है, कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। दरअसल ललितपुर के एसएचओ पर आरोप है कि उसने रेप की शिकायत दर्ज कराने आई 13 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। हालांकि मामले में आरोपी पुलिस अफसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इस घटना के सामने आने पर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। इन सब के अलावा एसपी सुप्रीमो ने बुलडोजर कार्रवाई और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला। उधर मतभेद की खबरों के बीच आजम खान को टिकट देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और ऐसी सभी खबरों को खारिज कर दिया। बहरहाल, मामले में अखिलेश के इस हमले का बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। आजम खान साहब के परिवार को भी मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से देता हूँ और पहले भी दिया मैंने। देखिए, आप उनके साथ अन्याय हुआ उसकी कहानी नहीं बता रहे। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में और आदरणीय आजम खान साहब में, तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो दिखाओ आप। और बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये इंटरेस्ट दिखाओ कि आखिरकार किन अधिकारियों के माध्यम से आपने मुकदमे लगवाए थे। मैं उन परिवारों को बुलाया था मैंने दिल्ली में और लखनऊ में, जिन परिवारों ने उन पर मुकदमे लगाए थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी कुछ लोगों से। मैंने कहा कि क्यों मुकदमा लगा रहे हो इतने बड़े नेता पर, तो बोला कि सरकार पे हमारा इतना दबाव है कि हमारी जान भी जा सकती है, अगर हमने आपकी मदद की तो हो सकता है बीजेपी की सरकार में हमारी जान चली जाए, और जब जान पे बात आ जाएगी तो कोई भी किसी पर कुछ भी मुकदमा लिखा देगा।